50,140 रुपए का वो डाउन पेमेंट किया है, ठेला जो बोलते हैं ना ठेला गाड़ी, वो भी चार आदमी के साथ भी ट्राई किया है इधर का, वो लाइनअप के अंदर ही। अच्छा, ओला वाले सर्विस को लेके बहुत परेशान है, तो आपको आपके एरिया में धुआं धुआं उड़ा रहेगा ना? मेरे साथ है आज वर्क और थोड़ा पैसों की कमी होने की वजह से हम लोग फिजिकली जाके नहीं इंटरव्यू ले पाए, बट अभी डिजिटल जमाना है तो सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा है, इंटरव्यू भी ऑनलाइन हो जाएगा, रिव्यू भी। तो तन्वय भाई कैसे आओ? अच्छा भाई, तो गाइस ये वीडियो में मैं तन्वय भाई का जो एथर का रिव्यू करने जाऊंगा ना, इसमें मैंने सेम क्वेश्चन रखा है जो मैंने ऑलरेडी जेंटू के टाइम में रखा था। उससे क्या होगा, अगर आप लोग दोनों वीडियो जाके देख लेंगे तो आप लोग ये कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो इसी के लिए क्वेश्चन मैंने सेम रखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तन्वय भाई, आपने जेंटू पहले बुक किया था, उसके बाद फिर आप कैंसिल करके इधर की तरफ चले गए, क्यों, क्यों, क्या डर? जेंटू बुक करने का पहला रीजन था कि वो तो अच्छा था, लेकिन वो डिलीवरी के बहुत देर हो रहा था। डिलीवरी का जो टाइम है ना वो बहुत बहुत लेट है, और फिर से वो सस्पेंशन का वो टूटने का देखा है वीडियो, सब कुछ देखा, उसके लिए वो कैंसिल करके फिर एथर ही ले लिया। ओके, तो आपका खुशी देख के तो समझ में आ रहा है कि एथर लेके आप बहुत खुश है। एथर तो बहुत अच्छा है, मेरे लिए तो अच्छा ही है। डिलीवरी में आपको कितना टाइम लगा था एथर में? दोपहर को बोला, शाम को लेके आ गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा, बढ़िया बात है यार। अच्छा, एथर का क्या आपके पास ये जो है ये 450X with Pro Pack है क्या ये? हाँ, Pro Pack वाला है, 450X का Pro Pack वाला है। कितना पड़ा आपको ऑन रोड? ऑन रोड 189,000। 189,000। अच्छा, इसके ऊपर फिर अगर कैश देंगे तो 189,000, अगर लोन लेंगे तो फिर इसके ऊपर आपका इंटरेस्ट भी आ जाएगा ना? हाँ, लोन लेने से वो 50,140 रुपए का वो डाउन पेमेंट किया है। अच्छा, और फिर 42,249 रुपए का वो ईएमआई आ गया। 49, अच्छा, मतलब 42 2,54,000 3 साल में? हाँ, 4 साल का। 4 साल? अच्छा, 4 साल का। हाँ, समझ लो कहीं 2.5 लाख का गाड़ी है तो परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। परफॉर्मेंस कैसा है, खुश है परफॉर्मेंस? बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है परफॉर्मेंस के लिए, वो नो डाउट बहुत अच्छा है। ये बता रहे थे कि ये इधर नहीं है, ये थार थार है, थार थार है। वो वीडियो भी मैंने बनाया, ये बहुत पावरफुल है भाई। इसका जो पावर है ना, आपको क्या बताऊं, वो अगर आपको वार्प पे ज्यादा टोटल छोड़ोगे ना तो ये पीछे का जो व्हील है, पीछे का जो व्हील है ना वो घूम के फिर निकल जाता है। ओ, कोई भी नहीं, वो पूरा धुआं धुआं उड़ा रहेगा ना? हाँ, धुआं उठा के निकल जाता है, और इसका ब्रेक का कोई वो कटअप नहीं है। हाँ, आगे का ब्रेक मारने से भी वो मोटर चालू हो जाता है, कोई बात नहीं, बर्न आउट फुल कर सकते हो कोई। अच्छा, इसमें अच्छा, बहुत ही फुल इंजॉय होता है। अच्छा, जैसे हम लोग ओला में देखते हैं कि ब्रेक चापने से ही मोटर का कट ऑफ हो जाता है पावर, वो चीज मोटर कट हो जाता है? नहीं, इसमें वो चीज नहीं है, ये ब्रेक, आगे का ब्रेक पकड़ने से वो पीछे का व्हील घूम जाएगा, कोई बात नहीं। और इसमें मोटर कट ऑफ का कोई सिस्टम नहीं। ओके, अच्छा, जैसे ओला में क्या हो रहा है, बहुत सारा नॉइज आ रहा है, पीछे से नॉइज आ रहा है, सामने से नॉइज आ रहा है, इसमें आपको कुछ ऑन रोड में कोई नॉइज आ रहा है क्या गाड़ी से? नॉइज कुछ नहीं है, इसका बेल्ट का थोड़ा नॉइज है, वो पुली का नॉइज है, ये एथर का तो ये सभी गाड़ी में होता है। इससे छोड़ के और कुछ भी नहीं, बॉडी पार्ट का भी कोई नॉइज नहीं है, ये बहुत अच्छा है, बॉडी एकदम फिट। 1,000 किलोमीटर पार हो गया। अच्छा, 1,000 किलोमीटर कर लिया? 1,000 किलोमीटर हो गया। हाँ, तो आप 1,000 किलोमीटर कितना रेंज निकाल पाए इससे? मैंने तो चलाया है 128 तक, मैंने एक दिन में राइड किया है। 128 आपको मिल गया वार्प मोड पे?
उसमें रेंज जितना दिखा था 105, वो 105 ही देगा, लेकिन आपको वो स्पोर्ट्स वार्प मोड पे अगर आप राइड करोगे तो वो जो बार है ना मिडिल वाला, ये एक लाइनअप होता है इधर का, वो लाइनअप के अंदर ही आपका पावर रखना पड़ेगा, उससे आपका रेंज ज्यादा मिलेगा। एथर वाला भी नहीं जानता है मुझे लगता है, किसी किसी का वीडियो देखा था, उसका वीडियो में ये सीक्रेट टिप्स बोला है। अच्छा अच्छा, ये बहुत काम का चीज है वो जो बार होता है, बार का मिडिल में आपका वो पावर रहना चाहिए, उससे ये 100+ आपको मिलेगा ही 100%। अच्छा, मेरे पास वो स्क्रीनशॉट भी है, आपको भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा, कोई बात नहीं। आपने 1000 किलोमीटर चला लिया है, तो आपको अभी तक क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिला, जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर रिलेटेड ग्लिच हुआ या फिर कभी गाड़ी ऑन नहीं हो रहा है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, एक छोटा सा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। गाड़ी ऑन करो तो गाड़ी ऑन होगा, ऐसा एकदम 100% ऑन हो जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओला वाले तो मतलब भगवान का नाम लेके जाते हैं कि देखो यार फास्ट ऑन होता है। नहीं, बहुत ऐसा खराब होता है क्या हाईवे का? अच्छा, नीचे से ऊपर में दो आदमी के साथ ऐसे चला जाता है, कोई बात नहीं, मतलब क्लाइंबिंग पावर बहुत अच्छा है, जितना भी बहुत ही खतरनाक है, बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई बात नहीं। अच्छा, आपने कभी ट्रिपलिंग ट्राई किया क्या, 3 आदमी को बैठा के चलाया? 4 आदमी के साथ भी ट्राई किया, सीट थोड़ा छोटा है, ठेला जो बोलता है ना, ठेला गाड़ी, वो भी बांध देने से 10 आदमी के साथ भी लेके जाएगा, इतना पावरफुल है इसमें, बहुत पावर है इसमें, बहुत पावर। अच्छा, ओला वाले सर्विस को लेके बहुत परेशान है, तो आपको आपके एरिया में कैसा सर्विस मिलता है? मैंने तो अभी तक भी कॉल ही नहीं किया सर्विस में, वो सर्विस वालों ने कॉल किया था कि मेरे को जाने के लिए, वो कितने दिन, 2 तारीख को जाने के लिए कॉल किया था कि आपका गाड़ी में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप आके आज ठीक करके जाना। मैंने फोन करके कह दिया कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, और मैं तो मार्केटिंग करता हूँ, टाइम नहीं है, बाद में प्रॉब्लम आएगा तो जाऊंगा। अच्छा, मतलब आपका वो आप जिसको आप लोग बोलते हैं कि फर्स्ट सर्विसिंग के लिए बुला रहे हैं। फर्स्ट सर्विसिंग तो 5000 किलोमीटर का है। अच्छा, फर्स्ट सर्विसिंग नहीं, वो चेकअप का एक होता है ना गाड़ी का, जे कैसा रन हो रहा है, कैसा क्या हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है क्या। मैंने बोला है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मतलब यहाँ पे खुद सर्विस सेंटर वाले कॉल करके कस्टमर को पूछ रहे हैं, सर्विस सेंटर ने बोला है प्रॉब्लम है नहीं, और यहाँ ओला में कस्टमर कॉल करके थक जाता है, सर्विस सेंटर वाले रिस्पॉन्स ही नहीं करते, बहुत ही अच्छा हुआ है। ओला लेने से मेरा इधर का रोड कैसा है, कब टूट जाता है, ये तो पता ही नहीं था। अच्छा, तो मेरा यहाँ का गांव का एरिया है ना। हाँ, तो अभी आपका जो खराब रास्ता है वहाँ पे सस्पेंशन इशू कुछ राइडिंग में प्रॉब्लम? कुछ भी नहीं है वो, नहीं कुछ भी इशू नहीं है, और टूटा फूटा जो रोड होता है ना, वहां से भी आप जो आग बंद करके वो 50-60 किलोमीटर की स्पीड से निकल सकते हो, इतना अच्छा सस्पेंशन है, मेरे को लग रहा है बहुत ही अच्छा है। अगर आप अगर आप राइड करोगे तो पता चलेगा, बहुत ही अच्छा है, खतरनाक गाड़ी है। अच्छा, इसलिए मैंने बोला है ये था नहीं था रे। अच्छा, आपने मुझे बताया था कि आप क्या आसाम गए थे शायद गाड़ी को लेके, लॉन्ग रूट किया था आपने ना, लॉन्ग राइड किया था। मतलब टोटल 100 के ऊपर का राइड आपने एक दिन में किया है? हाँ, हो गया, लेकिन मैं घर पे आने के बाद मेरे पास वो 2-4% था, मेरे को शायद याद नहीं है, वो था फिर भी 1-2% था मेरे पास। अच्छा, तो आपका मतलब सिटिंग पोस्चर वगैरह इतना लॉन्ग राइड करने पर कमर में दर्द या कुछ अनकंफर्टेबल फील होता है क्या? नहीं, ये वाला कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है इसमें, वो जो क्या बोलता है इसका फुट रेस्ट जो है ना पिलियन का। हाँ, वो देना चाहिए, इसके साथ ही देना चाहिए। नहीं है क्या इसके साथ फुट रेस्ट नहीं आता है? अच्छा, और पिलियन का फुट रेस्ट जो होता है ना, लेडीज वाला, करना पड़ेगा। हाँ, उसका उसका प्राइस बहुत ज्यादा है।
2-2.5 हजार का पड़ जाता है। 2-2.5 हजार है बट अगर आप परचेज करोगे तो आपको मिलेगा। ओला में क्या है, लोगों ने स्कूटर्स ऑर्डर कर रखा है बट 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, अभी तक आया नहीं। मैंने जिधर से गाड़ी लिया है ना, मैंने जो इसका जहाँ से गाड़ी लिया है उधर पे ही था वो, उन्होंने बोला था कि ये क्या लगा के दू, मैंने बोला है नहीं अभी रुपया कम है बाद में लगा लेंगे। उसके पास अवेलेबल है, उसके पास वाला भी अवेलेबल है। वाह, मतलब बहुत अच्छा वाला, बहुत हैप्पी है उस पे लेके, है ना? हाँ, बहुत हैप्पी तो है मेरे को लग रहा है। चार्जिंग का टाइम क्या लग रहा है? चार्जिंग के 4.5-5 घंटे लग जाता है, वो सारे रात चार्ज पे बिठा रखता हूँ ना, और 5 बजे के वो ऑटोमेटिक ऑटो कट हो जाता है फुल चार्ज। अच्छा, मतलब चार्ज होने के बाद वो ऑटो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, तो आपका ट्रंक का तो ज्यादा मतलब स्पेस नहीं है तो मैनेज हो जाता है क्या? 22 लीटर ट्रंक का जो स्पेस है स्टोरेज, मेरे पास तो ऐसे ही बाइक था, तो बाइक में तो ऐसे ही वो बूट स्पेस डिग्गी नहीं है, इसलिए मेरे लिए तो ये तो अच्छा है, फुल फेस का हेलमेट भी आ जाता है। कुछ तो है, बाइक में तो ये भी नहीं था, वो टूल किट का ही जगह था। और सामने का अच्छा है, इतना कोई बात नहीं, सामने का स्पेस बहुत अच्छा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। वो जो बाइक का जो हुक होता है ना, ऐसा वाला हुक होता है ना, वो हुक लगाने का जगह नहीं है इसमें। बाकी सब कुछ है, हुक लगाने का वो मैनेज हो जाएगा, वो उसने बोला है कि जाने के बाद वो मैनेज कर देगा। आप कहाँ पे लगाएगा वो तो उसका ही मालूम है, मेरे को तो मालूम नहीं है। बाइक का जो हुक होता है मेरा मार्केटिंग के लिए वो हुक चाहिए, टांगने के लिए ना। हाँ, सामान टांगने के लिए वो हुक। कितना किलोमीटर चलते हैं आप पर डे? पर डे 80-82 किलोमीटर तो चल जाता है। 80-82 पर, मतलब आप 200 रुपये पर डे बचा रहे हैं अगर पेट्रोल से कंपेयर करें तो। हाँ, वो तो बच जाता है, तब तो बहुत अच्छा है। मैंने EMI 4000 है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चल रहा है, आपने 1000 किलोमीटर का राइड कर लिया है, अभी तक आप बहुत खुश हैं। तो गाइस, ये थे तन्मय जो अपने एथर से बहुत ज्यादा खुश है। अगर आपके मन में किसी भी ईवी को लेके कोई भी डाउट है तो आप ग्रुप ज्वाइन हो जाइए, अपने स्टेट के लोगों के साथ अपने लैंग्वेज में अपने डाउट को क्लियर कीजिए। कमेंट में लिखना है आपको ज्वाइन और आपको लिंक मिल जाएगा।